इतना प्यारा है ना ये, मैं जहाँ पे अंगूठी पहनते हो धूप में जाना है तो अच्छे से रेडी हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त कुणाल, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। और आज है मंडे और ना हम लोग में एक्चुअली ना आज मेरी नींदी पता नहीं क्यों नहीं खुली नहीं रहती। मम्मी इतना उठा रही थी लेकिन ना नींदी नहीं उठ रही थी, मैं मतलब खुली नहीं रहती। और ना मुझे कितने बजे पता, मैं लिटरली 11:30 बजे उठा और अभी ना 12:30 बजे, 12:30 बज गए। मैं एकदम अच्छे से ना फ्रेश हो गया, एकदम रेडी हो गया हूँ। और अभी ना दीदी और मैं जरा थोड़ा सा काम से जा रहे हैं बाहर, हम लोग को थोड़ा सा मतलब पेपर्स वगैरह है उसके काम था, तो वो सब जाके फिर काम करके फिर आना है। और इतनी ज़्यादा धूप है ना तो दीदी का बिल्कुल मूड नहीं था, मुझ पर बढ़ गई इतना धूप में क्यों जाना है अभी। लेकिन बोला कि नहीं अभी जाना तो पड़ेगा ही, काम है। तो बोली थी अकेला जा लगे, मैं बोला नहीं तू भी चल साथ में, तो अभी उसको भी रेडी करवा रहा हूँ मैं भाई। बस उसको रेडी होती है तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, मतलब घर से निकलते। और ना आज भी बहुत सारे मतलब ना काम है हम लोग को ना, और दीदी का आज शूट भी है तो दीदी ना शूट के लिए भी ना शायद आज शाम को जाएगी, तो वहीं पे ना उसका काम करेगी। अगर उसका लेट रहा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा बॉम्बे में, बहुत सारे काम है हम लोग को। बस यही भाग दौड़ चालू है बहुत सारी, मतलब ना अभी एक्चुअली कैसा ना नया घर जब लेते ना इजी नहीं होता है, घर लेना और शादी करना ये दो बहुत बड़ी चीज होती है अपनी जिंदगी में। तो हम लोग ने एक तो कर लिया, एक पड़ाव अभी पार हो रहा है, मतलब घर ले तो लिया, अभी उसका बहुत सारे प्रोसेस है वो सब करना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना एक पड़ाव तो है, अभी दूसरे पड़ाव को बहुत टाइम है हम लोग को, तो अभी फर्स्ट वही कर रहे हैं, वही सारी चीजें चल रही है। और ना क्या करना है हम लोग को, प्रेयर रखनी है तो प्रेयर कभी रखनी है, क्या रखना है वो सारी चीजें आज डिसाइड करेंगे। तो बस यही चल रहा है आज के दिन में। तो आ गया आज लियो, हाय बेबी, इतना प्यारा है ना ये, तुरंत आके बैठ जाता है चाहे गर्मी हो ठंडी हो, मेरे पास आके उसको बैठना है। देखो हाय 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 हाय। ओके तो अभी हम लोग आ गए और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, देखो देख सकते हो मैंने सिर्फ कैप लगाई है, इधर तो पूरा मुखड़ा है। यहाँ पे एक डॉग बैठा है एंट्रेंस में, उसको बहुत प्यास लगी थी तो पानी और खाना लेके आया मैंने। उसकी हालत देखो ना कैसी हो चुकी है, थोड़ा सा पानी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी इसको, पानी दे रहा हूँ, थोड़ा खाना दे दूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसको। ये तो इसको खाना खिलाने के बाद, पानी वगैरह पिलाने के बाद इसको भी खाना और पानी पिला दिया, लेकिन खा ही नहीं रही अभी ये, इसको तो पता नहीं इसको पानी पे और मस्ती आई है इसको। चल बाय, देखो बहुत ज़्यादा मस्ती आई। चलो फोटोग्राफर ना ऐसा सर्वे बना के दिया है, और ना मैं बहुत सारे ब्लॉग्स देख रहा था एक्चुअली, बहुत मतलब इंस्पिरेशन थोड़ा सा मिलता रहता है थोड़ा अच्छे खासे ना, तो वही सब ब्लॉग्स वगैरह देख रहा था, मम्मी ने ला के दिया है। ठंडा एकदम मस्त लग रहा है, इतने गर्मी में ना ऐसा ठंडा कुछ पीना चाहिए डेली। बस अभी यही पी रहा हूँ, अभी इतना ये पी लिया तो पहले अच्छे से। यो कौन दे भूंगते बक, जोर से चिल्ला रहा है एकदम तगड़ी आवाज ना इसकी, ना आवाज बहुत ज्यादा बड़ी है वो भी नहीं बड़ा वैसे, देख रहा वीडियो बना रहा है। ओके तो मैं रेडी हो गया हूँ और ना दीदी को अभी नीचे छोड़ने जा रहा हूँ, नीचे मतलब स्टेशन में छोड़ने जा रहा हूँ, वो जा रही है उसका, मैं बोला था उसका शूट है आज कोई थे मूवी का या कुछ तो भी शूट है, तो बस उसके लिए वो निकल रही है। मैं बोल रहा दीदी बोली कि मुझे छोड़ के फटाक से, तो मैं बस छोड़ने जा रहा हूँ। और मैंने शर्ट इसलिए पहना ना, इतनी गर्मी है लेकिन इसलिए पहना ना, इतनी ज़्यादा धूप है ना पूरे ना टैन हो जाता है, वैसे मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टैन है देख सकते हो आप, ना जहाँ पे अंगूठी पहनते हो तो उतना वाइट वाइट है, बाकी पूरा हाथ ना टैन हो चुका है ऑलरेडी। और मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा टैन हो, तो उसके लिए मैंने बोला चलो शर्ट पहन जाते, गर्मी हो लगती है चल जाता है। और तुरंत आना है उसको, तुरंत आना है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पटक मैं बाल ही नहीं बन रही अच्छे से। वही देखो मस्त रेडी हो गई है, शूट पे जाना है तो अच्छे से रेडी हो जाती है, बाल ही नहीं बन रहा मेरा। सो ट्रांजेक्शन यहाँ पे मतलब चेंज हुआ था, उसमें मैं दीदी को छोड़ के आ भी गया तुरंत, टाइम नहीं लगता वहाँ पे, स्टेशन इतना पास में ज्यादा टाइम नहीं लगता था क्या को। तो शाम के ना 7:30 बज गए, 7:30 बज के गए एक्चुअली,
और ना मेरा वीडियो ना अपलोड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। और मतलब ना एडिट के लिए टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि एक दो वीडियो ना दीदी के मोबाइल में निकाले थे। कल मेरा मोबाइल का कैमरा ख़राब हो गया था, आपको पता है, तो ना वही चीज़ ना उसके मोबाइल से मैंने लिया, फिर उसको एडिट किया, एडिट करके फिर ना एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के लिए बहुत टाइम लगता है मेरे को। उसके बाद फिर अपलोडिंग के लिए डाल रहा था, नेट ही नहीं चल रहा है, वाईफाई पता नहीं वाईफाई का क्या प्रॉब्लम है, तो वाईफाई चल ही नहीं रहा था अभी। और ना कैसे कैसे करके मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर वीडियो देखा नहीं होगा तो वीडियो जाके देख लेना आप लोग। और ना अभी ऐसा ना मतलब इतना ना गर्मी हो रहा ना, पता नहीं शाम हो गई है तो भी ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे ना, आज समझ में नहीं आ रहा है मुझे लगता है ना थोड़ा सा मुझे काम है, वो काम खत्म होगी मैं जाके फिर से शॉवर लूँगा एक। और ना बाहर जाने का मेरा प्लान था, लेकिन अभी अकेला हूँ, सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। अभी किसी दोस्त को भी ना कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा, फिर आएगा जाएगा, पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, देखते हैं। अभी अगर मेरा जाने का प्लान होगा तो आपको दिख जाएगा। तो ना बस अभी काले भी होगी, उन लोग को भी थक गए। और कैसा होता ना घर से, घर पर कोई एक जन भी नहीं रहेगा ना, तो मम्मी अगर दीदी अगर नहीं रहेगी तो मम्मी और मैं ना तुरंत जल्दी इतना मतलब खाना पीना खा के, काले भी होगा भी खाना पीना खा के जल्दी हम लोग ना बेड वगैरह डाल के सो जाते हैं। हम लोग ना ज़्यादा ये नहीं करते, अगर मम्मी कहीं बाहर गई या फिर दीदी कहीं बाहर गई। और मैं कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में मम्मी और दीदी दोनों गोवा गए थे और हम तीनों ही थे सिर्फ घर पे, तो मैं तो इतना आराम से दिन भर आराम से रहता था घर पे। लेकिन इतना काम रहता ना यार घर पे, समझ में नहीं आता जैसे। लेकिन सुबह उठो, पूरा घर क्लीन करो, फिर खाना बनाओ, खुद का तो बनाओ, खुद के बनाने से पहले इन लोग का भी बनाओ, बहुत सारा काम रहता है वो सारा। अभी बस मम्मी जा रही नीचे भाजी वगैरह लेने के लिए, और मेरा काम है, मैं काम वगैरह ख़त्म करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो इसे देखो, ये ना राह देख रहा है मम्मी कब उसको खाना देगी और फिर नीचे जाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है बच्चा। यो नीचे जाना है बाबू, हाँ नीचे जाना है। वो देख रहा है मम्मी को, मम्मी खाना तो जल्दी 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 खाना दो, है ना। है ना, कालेब को नीचे लेके आया हूँ और फिर लियो को भी लेके आऊँगा। और इधर देखो ना पूरा पार्किंग ऐसा लग रहा है, सन्नाटा हो गया, शांत एकदम। उसको वो बाकी सब उधर गए, तो पूरी गैंग लेके आता अपने सब। और काले को बिल्कुल पसंद नहीं है, कितना फूल उड़ा रहे गोद काले नोको। अरे बाप रे, कितना देखो कितना भोंकता है, ये कंट्रोल ही नहीं होता। काले 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 नोको, शांत रिलैक्स। हाँ भीषण कालेब को लेके आया मैं, और इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी हाथ में, वीडियो भी बंद कर दिया था मैंने। इनको घुमाना बहुत मुश्किल है, इजी टास्क नहीं। इसे मैं एक एक करके लेके आता हूँ, मुझे मेरे दोस्त बोलते तो दोनों का एक सब कुछ लेके आता है ना, दोनों का एक को लेके आना मतलब बहुत चीज़ भारी होती है। और इधर देखो तो भी ऐसे ऐसे ना ऐसे देखो ऐसे भी ना शांत नहीं रहना है, इसको इसको सिर्फ भोंकते रहना है, देखते रहना है। लियो को भी लेके आता हूँ मिलने आए, कुकू कैसे मिलने को आया लियो को, रॉट व्हीलर है, काटा नहीं काटता नहीं है, शांत है, लेकिन उन लोग के लिए भागता है, उन लोग के लिए दौड़ता है। लियो इन लोग का यही है यार, लियो लियो देखो कितने प्यारे लग रहे दोनों एक ही जैसे। नहीं कहाँ से पता चल जाता है लियो आया करके, तुरंत आ जाता है लियो, देखो ना कितना मस्ती चलता है इन लोग का। लियो बाबू कैसे है तू, देखो 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 बहुत मस्ती है, बहुत ज़्यादा मस्ती है। नोको लियो नोको नोको, कैसे काट रहे हो उसको। बिना लियो को भी घुमा के लेके आओ, लियो को टाइम लगता है घुमाने को, कम से कम ना एक डेढ़ घंटा घुमाया उसको अभी मैंने। और अभी उसको घर पे लेके आके पहले उसको दवाई खिलाना, मैं आपको दिखाता हूँ उसको दवाई कैसे खिलाते हैं ना। उसको खिलाने को बहुत ईजी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। काले को तो खिला ही नहीं सकते दवाई, क्योंकि ना वो इतना मतलब बोलते ना गुस्सा करने लगता ना पूरा। पर तो लाइट अच्छी लाइट होती है इसमें। अभी देखो इसको ना ये दवाई खिलानी है, बड़ी गोली है, काले मुझे बहुत पसंद आ रहा है, गुस्सा कर रहा है काले मुझे। यो ये देखो मैं ना शॉवर लेके एकदम फ्रेश हो गया, वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी ना, एकदम शॉवर लेके ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त होता है ना, एकदम
चुस्ती फुर्ती आ गई मेरे इतना अंदर, तो बस अभी इतना थोड़ा टाइम ना मैं थोड़ा सा मूवीज वगैरह देखूंगा, फिर वीडियो एडिट करूंगा और ना वीडियो स्केड्यूल कर दूंगा, आज ही स्केड्यूल करूंगा, क्योंकि दूसरे दिन करता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, टाइमिंग मेरा ना ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो मैं अभी यही सोचा कि जो जिस दिन का ही करूँगा वही ना नाइट को शूट करके दूसरे दिन ना मतलब सॉरी जिस दिन शूट करूंगा उसी दिन एडिट करके फिर दूसरे दिन का स्केड्यूल कर दूंगा, तो मेरा बेटर रहेगा, डे टू डे डेली का वीडियो आते रहेगा। और ना अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट आउट बिलो करना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और आप ना कुछ मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि हाँ ना कुणाल ये चीज़ पे ना आप तू वीडियो बना, या फिर ये टॉपिक के ऊपर तू बात कर, या फिर यहाँ पे जा या वहाँ पे जा, लेकिन यहाँ पे जा वहाँ पे जा थोड़ा दिन थोड़ा सा मेरा ना आगे पीछे रहेगा, क्योंकि जब तक मैं शिफ्ट नहीं होता तब तक कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ट्रैवलिंग प्लान है वो जल्दी हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, और ये देखो God bless you, bye, bye. Leo भी बोलने का है, bye. चलो bye.